That he could not help pitying him and felt in his pocket to see what money he had. Uh, that old beggar looked so forlorn. wo itna zyada unhappy aur sad dikhai de raha tha ki Hui जो है uh, अपने आप को उस पर दया करने से नहीं रोक सका and felt in his pocket. felt in his pocket means उसने अपनी uh, pocket को टटोला. टि, uh, जब हम कोई चीज़ ढूँढते हैं pocket में तो उसने फील किया टू सी वट मनी ही हैड देखने के लिए कि उसके पास कितने पैसे पड़े हैं ऑल ही कुड फाइंड वॉज अ सोवरेन एंड सम कॉपर्स और फिर उसे अपनी पॉकेट में क्या मिला अ सोवरेन सोवरेन मीन्स गोल्ड क्वाइन उस टाइम पे जो करेंसी यूज होती है वहां पर सोवरेन इज यूज फॉर गोल्ड क्वाइन तो एक सोवरेन था एंड सम कॉपर्स और कुछ कॉपर्स कॉपर क्वाइंस थे पुअर ओल्ड फेलो बेचारा बूढ़ा आदमी ही थॉट टू हिमसेल्फ उसने खुद सोचा खुद में सोचा ही नीड इट मोर देन आई डू कि इसे इनकी मेरे से ज्यादा जरूरत है इन पैसों की मुझसे ज्यादा इसे जरूरत है आई देन आई डू जितनी की मुझे जरूरत है उससे ज्यादा ही वॉकड एकरोस द स्टूडियो और फिर वो स्टूडियो पार करके दूसरी तरफ गया बैगर की तरफ एंड स्लिप्ड द सोवरन स्लिप्ड मीन्स सरका देना द सोवरेन इन टू द बैगर्स हैंड उसके हाथ में रख दिए सरका दिया वो सोवरेन मीन्स जो एक ही उसके पास गोल्ड कॉइन था वो उसने उसे दे दिया द ओल्ड मैन स्टेयर स्टेयर्ड मीन्स वी कैन से चौक जाना और स्टेयर्ड जो है ध्यान से देखने के लिए भी यूज होता है द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एंड अ फेंट स्माइल फ्लिकर्ड एकरोस हिज विदर्ड लिप्स वो चौका और एक फेंट स्माइल मीन्स फीकी सी हल्की सी मुस्कुराहट फ्लिक्ड मीन्स आ गई across हिज withered lips लिप्स उसके जो ड्राई लिप्स थे मुरझाए हुए कह सकते हैं जो लिप्स थे उन पर जो है एक हल्की सी स्माइल आ गई थैंक यू सर ही सैड थैंक यू उसने कहा थैंक यू जो कॉइन देने के लिए देन ट्रैवर अराइव्ड और फिर ट्रैवर आ गया एंड हीफ्ट द स्टूडियो और ह्यू ने स्टूडियो छोड़ दी वो वहां से चला गया ब्लशिंग अ लिटल एट वट ही हैड डन थोड़ा सा लजाते हुए कह सकते हैं ब्लशिंग हल्का सा मुस्कुराते हुए शरमाते हुए लिटल एट वट ही हैड डन की उसने क्या किया था मीन्स उसे अच्छा फील हो रहा था कि उसने किसी की हेल्प की थी ही स्पेंड द डे विद लोरा और उसने फिर वो दिन बाकी दिन लोरा के साथ स्पेंड किया बिताया गॉड अलिटल स्कॉलडेल स्कॉल्डिंग मीन्स डाट भी खाई उसने गॉड अलिटल स्कॉल्डिंग फॉर हिज जनरोसिटी मीन्स नोबिलिटी जो उसने uh, पुण्य का जो दया का जो काम किया था नेकता का जो काम किया था उसके लिए उसने थोड़ी सी डाट भी खाई एंड है टू वॉक होम और फिर वो घर चला गया डांट इसलिए खाई क्योंकि उसके पास खुद के पास तो काम चलाने के लिए पैसे थे नहीं ज़्यादा और फिर भी जो भी कुछ थे वो उसने उस बैगर को दे दिए तो इसलिए उसको जो उसने नोबिलिटी की थी उसके लिए उसे डांट भी पड़ी लोरा से दैट नाइट ही स्ट्रोल्ड इन टू द पैलेट क्लब एट अबाउट इलेवन ओ क्लॉक और उस रात को फिर वो स्टॉल मीन वॉग्ड गया इन टू द पैलेट क्लब पैलेट क्लब में एट अबाउट इलेवन ओ क्लॉक करीब ग्यारह बजे एंड फाउंड ट्रैवर सिटिंग बाई हिमसेल्फ और वहां पर उसने अपने पास ड्राइवर को भी पाया बैठे स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग जो स्मोक कर रहा था ड्रिंक कर रहा था वेल एलन डिड यू गेट द पेंटिंग फिनिश्ड ऑल राइट क्या अब वो पूछ रहा है कि एलन क्या तुमने वो पेंटिंग फिनिश कर ली है ही आफ्ड एज ही लिट हिस्स सिगरेट उसने पूछा जब उसने अपनी सिगरेट जलाई फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड फिनिश भी हो गई है फ्रेम भी हो चुकी है माई बॉय आंसर्ड ट्रैवल ने बताया बाय द वे द ओल्ड मॉडल सीम्स टू हैव टेकन एन इंटरेस्ट इन यू कि जो ओल्ड मॉडल था uh, वो तुम्हारे अंदर काफी इंटरेस्ट ले रहा था मीन्स काफी दिलचस्प था तुम्हारे बारे में जानने के लिए वीके से आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू और मुझे उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना पड़ा हु यू आर कौन हो तुम वेर यू लीव कहाँ रहते हो वट योर इनकम इज क्या तुम्हारी कमाई है एंड वट यूर फ्यूचर विल बी और क्या तुम्हारा फ्यूचर होगा ये सब जो है मुझे ओल्ड बैगर को तुम्हारे बारे में बताना पड़ा क्योंकि वो काफी इंटरेस्ट ले रहा था तुम्हारे बारे में जानने में